न्यू गार्डन कलर है ये, और इजीली मार्केट में ये अवेलेबल है और आप लोगों इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने एक प्लास्टिक बॉल ले लेना है और ब्रश ले लेना है, और इसको आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले ग्लव्स पहन लेने हैं, और इसको 100 रुपये पे आप लोगों ने अप्लाई करते हुए आइस का ख्याल रखना है कि ये आप लोगों की आइस पर ना लगे, और ये आप लोगों को ताकि, और इसके अलावा आप लोग इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पहले बालों में हेयर्स में अपने लगा लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आप लोगों की आपके लोगों की को एलर्जी तो नहीं है इससे। और इसको अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, और ये आप लोग 16 ईयर्स से कम उम्र के लोग इसको इस्तेमाल ना करें, और अप्लाई टू मिक्स है और इसको अप्लाई करना है, और तकरीबन 15 मिनट्स तक आप लोगों ने इसको लगे रहने देना है, और उसके बाद इसको आप लोगों ने वॉश कर लेना है। ये 15 मिनट्स तक आपके बालों में कलर जो है इसका आ जाएगा, और इसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने जो है बालों को अच्छी तरीके से धो लेने हैं ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है बालों में वो आप लोगों के निकल जाए, और फिर इसको के बाद आप लोगों ने ड्राई हेयर्स में इसको अप्लाई करने हैं। अक्सर बाल लोगों के बालों में ऑयल होता है तो वो इसको अप्लाई कर लेते हैं जिसकी वजह से कलर जो है ऐसे बालों में नहीं लगता। तो इसको आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने इसको जो भी प्रिपरेशन इजी प्रिपरेशन है मैं आप लोगों के साथ इसीलिए कर रही हूँ किन किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, बाउल और ब्रश और ग्लव्स प्लास्टिक के, और इसको आप लोगों ने जो है ग्लव्स को अपने लगा लेना है हाथों पर ताकि ये जो है आपके हाथों को ख़राब ना करे, क्योंकि इससे बाज़ दफ़ा एलर्जी भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप लोग इसको लगाने से पहले ये चीज़ें तमाम चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आप लोगों ने इसको जो है अप्लाई जब कर लें आप इसको तो 15 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको धो लेना है, और व्यूअर्स इसको इस्तेमाल आप इसका इस्तेमाल करें, इसको लाएं और इसको अपने घर में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलर की तरह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मैं भी इसको लाई हूँ और मैंने इसको अप्लाई किया है और इसके 100% रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, और ये बालों को ज़्यादातर डैमेज होने से भी बचाता है, और इसकी जो है वैसे तो हेयर कलर कोई भी है वो बालों को थोड़ी बहुत तो डैमेज करता ही है, क्योंकि जो नेचुरल बाल हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नेचुरल हेयर कलर है वो जो हेयर कलर जो हम बाज़ार से लाकर करते हैं वो तो नहीं उसका मुकाबला करता। तो कोशिश करें कि आप लोग अगर आपके बाल वाइट हैं तो आप लोग ये इसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने से बाल ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग इसको ना इस्तेमाल करें, अगर आपके बाल वाइट हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और आजकल तो वैसे भी ये फैशन बन गया है कि बच्चियाँ भी कॉलेज गर्ल हैं और जितनी भी जो ऑफिशियल वर्किंग है वो बालों को ज़रूर कलर करती हैं, तो हर किसी की मर्ज़ी है, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बंदा कर सकता, लेकिन ये है कि मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बताना था। बाकी ये जो है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉडल के बालों में, जो जिस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी इसको आप पॉलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को बालों में रूट्स में भी ये इसका कलर पहुँचेगा। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कि आप लोग बालों में कैसे कलर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से इजीली आप लोग घर में भी पॉलर की तरह कलर को अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई हेयर कलर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने दरमियान से निकाल ये दो हिस्से कर लेने हैं, दो पार्ट कर लेने हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों ने कैचर की मदद से थ्री पार्टीशन बना लेने हैं ऐसे, और इसको कैचर से ये व्यूअर्स ऐसे आप लोगों ने पार्टीशन बना लेने हैं ऐसे, इसकी एक लेयर निकाल लेनी है बिल्कुल सीध में ऐसे निकाल लेनी है इधर से भी और ये इधर से भी देखिए, और फिर इसको कलर को अप्लाई करना है। ये ब्रश को ऊपर करो थोड़ा सा ऊपर करो वाइट थोड़ा सा ये इसको इस तरीके से ऐसे अप्लाई कर लेना है। तीन बंदे उनकी फिर ऐसे लेयर निकाल लेनी है और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ताकि ब्रश में नजर ये ऐसे इस तरीके से आपने रूट्स में लगा लेने हैं दोनों तरफ रूट्स में लगा कर, और फिर बालों में ऐसे बालों हाथ रख ऐसे रख कर और तमाम बालों में आप लोगों ने अप्लाई करना है, और फिर हाथों से इसको ऐसे इस तरीके से हाथों से आप लोगों ने मर्ज करना है इसमें, ठीक है। ये बाल मुझे छोटे मिल गए मुझे मेरे मॉडल के,
तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ आज वीडियो। वैसे तो आपको पता ही है कि मॉडल मिलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, पोलैंड में भी लोग नहीं वीडियो बनाते, तो ये मुझे आज मॉडल मिल गई है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ मैं आज ये शेयर कर दूँ। इसी तरीके फिर इस इनको लगाने के बाद आपने कॉम्ब लेना है, और कॉम्ब की मदद से जितना आप लोग बारीक धुंधान वाला कॉम्ब लेंगे उतना ही बालों में अच्छी तरीके से मर्च होगा कलर तमाम। और इसको ऐसे लगा कर और फिर ऐसे बालों को ठीक है बालों से हाथों से इसको ऐसे मर्च करने हैं, बाल जो बाकी लेयर्स हैं बालों की उनको ऐसे मर्च करने हैं, ठीक है। इस तरीके से तमाम आप सर पे लगा लेना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स। अगर आप लोगों को मेरा ये हेयर कलर लगाने का तरीका पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो ये जब कलर तमाम लग जाएगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका कलर कैसे बालों में आया। ये मैंने गार्निया का हेयर कलर यूज़ किया है, उसकी भी मैं आप लोगों के साथ अभी जो है तमाम डिटेल मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।